हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ हलवा जैसा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, काफ़ी जूसी चंद्रकला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। देखिए एकदम हलवा जैसा। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाशनी बनाना है। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में हमें डाल लेना है 2 कटोरी चीनी। ये वजन में लगभग 400 ग्राम चीनी है। और अभी हमें उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालना है। आप कोई भी कप या कटोरी एक सेट कर लीजिए, उसी से हमें पानी डालना है। जितना चीनी डालना है उसका आधा हमें पानी डालना है। और चाशनी में बॉयल आने तक और चीनी को घुलने तक ही हमें पकाना है। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं चाशनी में उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसे चेक कर लेना है। तो थोड़ा सा चाशनी को लगाना है। देखिए कोई तार नहीं बन रहा है, केवल ये चिटचिटा है, एकदम परफेक्ट चाशनी है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और अभी हमें चंद्रकला के लिए डो लगा लेना है। डो लगाने के लिए एक बड़े बाउल में हमें डाल देना है 200 ग्राम मैदा। और अभी हमें इसमें डाल देना है तेल 4 चम्मच। आप चाहे तो घी से भी इसमें मोयन कर सकते हैं। मोयन अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, तभी चंद्रकला बहुत ही बढ़िया बनेगा, खस्ता बनेगा। अगर आप मोयन कम कीजिएगा तो वो खस्ता नहीं बनेगा, चीवी बन जाएगा, यानी चिमड़ा बन जाएगा। तो देखिए हमें इसे अच्छे से मोयन करना है। एकदम इतने में एकदम परफेक्ट मोयन हो जाएगा। इसको बांधने पे मुट्ठी जैसा ये बंध जाएगा। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ये मोयन है। इतना ही हमें मोयन करना है। और अभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और इसका डो लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो जो डो है वो गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा ही इसमें पानी डालकर इसका डो लगाना है। तो देख सकते हैं डो बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल इसी तरीके का हमें डो लगाना है। और अभी हमें इसे रख देना है साइड में, कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमें 100 ग्राम चीनी लेना है और 4 इलायची। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। या स्टफिंग में डालने के लिए मैं शुगर पाउडर बना रही हूँ। तो अभी हमें इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसे एकदम बारीक पीस लेना है। तो देख सकते हैं ये एकदम बारीक पीस चुका है। और अभी हमें स्टफिंग बना लेना है। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें खोए को ग्रेट कर लेना है। तो देख सकते हैं ये वजन में 200 ग्राम खोया है। मैं इसे अच्छे से ग्रेट कर ली हूँ। आप चाहे तो इसको हल्का गर्म भी कर सकते हैं। ये ताज़ा खोया था इसलिए मैं इसे ग्रेट की हूँ। और अभी हमें इसमें डाल देना है पीसी हुई चीनी को। आपको अगर कम मीठा पसंद है तो चीनी को क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। और 1 चम्मच डाल देना है बारीक कटा हुआ काजू, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम और 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है उसे इसमें डाल सकते हैं, और जो नहीं पसंद है उसे टोटली हटा सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुका है और डो को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुका है। तो अभी हमें डो को मिक्स कर लेना है और इसे हमें छोटे छोटे बॉल्स में तोड़ना है। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ना है, जैसे रोटी बनाने के लिए तोड़ते हैं ना, बस उतना ही साइज हमें तोड़ना है। देखिए इस तरीके से गोल गोल। तो देख सकते हैं मैं लोई को चौड़ा चौड़ा बना ली हूँ। और अभी हमें चकले ले लेना है। चकले पे एक लोई को रख लेना है और इसे बेलना है। ना हमें सूखा आटा लेना है, ना तेल लगाना है। इसे उठा उठा कर बेलिएगा, चिपकेगा बिल्कुल नहीं, एकदम बढ़िया ये बेल जाएगा। हमें एकदम पतला बेलना है, तभी चंद्रकला बहुत ही बढ़िया बनेगा। मोटा बिल्कुल नहीं बेलना है, ये रोटी से भी हमें पतला बेलकर इसे तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से बेल चुका है। तो अभी हमें इसे ग्लास के मदद से कट कर लेना है। आप चाहे तो कोई भी कटोरी से भी काट सकते हैं, इसका शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें काट लेना है और इसे एक्स्ट्रा आटे को हटा लेना है। तो देख सकते हैं एक्स्ट्रा आटा हट चुका है, इसमें टोटल 3 पीसेस बने हैं, देखिए। तो अभी हमें 2 पीसेस को ले लेना है और इसमें खोया का जो स्टफिंग है उसे गोल बना लेना है। लगभग 1 चम्मच मैं इसमें
स्टफिंग को डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो छानने में तलने में आपको कढ़ाई में ही निकल जाएगा। ना बहुत कम डालिएगा, बहुत कम डालिएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा अगर डाल दीजिएगा तो कढ़ाई में निकल जाता है। और अभी हमें इसे चारों साइड से पानी से अच्छे से लगा लेना है और दूसरे रोटी को ऊपर से चिपका लेना है, अच्छे से सील करना है। बहुत ही अच्छे से इसे प्रेस करते हुए हमें सील कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं इसे चारों साइड से एकदम अच्छे से प्रेस करते हुए सील कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें सील इसे कर तैयार करना है। और अभी हमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसमें पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो शेप देने में ना बहुत परेशानी आ जाएगी। तो देखिए हल्का हल्का ही इसमें पानी लगाना है, इसे अच्छे से ज़रूर लगाइएगा। और देखिए इसे इस तरीके से सील करना है, उठाना है, इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। देखिए आप एक या दो बना लीजिएगा तो उतने में आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा इस तरीके से बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए इस तरीके से उठाना है और उसे फोल्ड करते जाना है। देख सकते हैं काफ़ी आसानी से आप इस शेप को दे सकते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट शेप तैयार है, तो इसे हमें साइड में रख देना है। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। देखिए एक और लोई पे इस तरीके से खोए के पेड़े को रख देना है और चारों साइड से हमें अच्छे से पानी लगाना है। पानी अच्छे से लगाइएगा और दूसरे रोटी को इस तरीके से हमें चिपकाना है, हल्का प्रेस करते हुए इसे चिपकाना है, जिससे ये अच्छे से सील हो जाए और तलते हुए कढ़ाई में बाहर ना निकले। तो देखिए ये अच्छे से सील हो चुका है। तो अभी हमें ऊपर से हल्का हल्का पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से उठाना है, उसे दबाते जाना है। बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना है, काफ़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप एक या दो बना लीजिएगा ना, उतना ही में आप एक्सपर्ट हो जाइएगा इसे बनाने के लिए। तो देखिए इसमें भी परफेक्ट शेप हो चुका है। तो देख सकते हैं सारे चंद्रकला अच्छे से फील हो चुका है। तो अभी हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है तेल। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का गर्म होना चाहिए। हल्का गर्म तेल में इसे फ्राई करना है। इस तरीके से चेक कीजिएगा, हल्का हीट लगे तो वो तेल हल्का गर्म हो चुका है। तो देखिए एकदम इतना ही तेल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं लीजिएगा। और इसमें हमें सारे चंद्रकले को डाल देना है फ्राई होने के लिए, और इसे लो टू मीडियम हीट पे हमें फ्राई करना है। इसे अभी पलट लेना है चम्मच से, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे हमें पलटते रहना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं फ्राई कीजिएगा। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे पलट लेना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है और डायरेक्ट चाशनी में डाल देना है। चाशनी हल्का गर्म है क्योंकि हम इसे पहले ही बना लिए थे, और इसे अच्छे से हमें चला लेना है और 2 मिनट के लिए चाशनी में रहने देना है। उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। और मैं इसे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बादाम, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ क्रैनबेरी, नारियल का बुरादा से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।